Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल एंड टुडे रेसिपी इज मलाई टिक्का कबाब और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस चिकन कबाब को बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। एक पाव मैंने लिए बोनलेस चिकन, 2 टेबलस्पून इसके लिए मैंने लिए मायोनीज, 2 टेबलस्पून दही लिया है इसमें मैंने, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें क्रीम लिए मलाई, ठीक है। इसमें मैंने लिया 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट, इसमें मैंने लिया 1 टेबलस्पून बटर लिया है मैंने इसमें, एक टीस्पून मैंने इसमें लिया जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। इसमें लिया 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लिए काले मिर्चें, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें लिया है सॉल्ट और थोड़ी सी मैंने हरा धनिया चॉप लिया है और मैंने 1 टेबलस्पून इसमें लिया है लेमन जूस, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसको मैरिनेशन करना बताती हूँ। मैंने सबसे पहले लहसुन अदरक डाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, ग्रीन चिली पेस्ट डाला 1 टेबलस्पून, इसमें मैंने क्रीम डाली 2 टेबलस्पून जो मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है। आप लोग घर की भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें दही डाला है और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने डाली है मायोनीज़, ठीक है। इससे भी बहुत अच्छा रिच फ्लेवर आएगा इसका, आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी और यूनिक लगेगी रेसिपी। इसमें मैंने लिया है, आप लोगों को बताया मैंने, ब्लैक पेपर पाउडर, ठीक है। इसमें मैंने लिया नमक और चॉप कोरिएंडर लीव्स और जो मैंने आपको बटर बताया था 1 टेबलस्पून बटर वो डाल दिया। अब मैंने जो लेमन जूस लिखवाया है 1 टेबलस्पून वो मैंने डाल दिया। सब चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से हम लोग मैरिनेट कर देंगे और आप लोग चाहें तो उसको ज़्यादा मैरिनेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा, इन्हेंस होगा फ्लेवर। मैं इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी, उसके बाद आपसे मिलते हैं। 2 से 3 घंटे मैरिनेट करके इसको हम लोग फ्रिज में कवर करके रख देंगे प्लेट से, उसके बाद मैं इसको आप लोगों को बताऊंगी कि इस बाकी का प्रोसीजर क्या है। अब हम इसको रेफ्रिजरेट कर देंगे। ये बहुत मज़े की बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब मैंने एक अपना जिसमें मैंने इसको मैं ओवन में बना रही हूँ इसको, आप लोग चाहें तो पैन में भी बना सकते हैं, ठीक है। अब पैन में मैं इसमें बटर पेपर लगा कर इसको ग्रीस कर रही हूँ ऑयल से, ठीक है, ताकि चिपके नहीं। अच्छी तरह से ग्रीस करके इसको एक साइड में रख दीजिए। जब हमारी चिकन मैरिनेट हो जाएगी तो मैरिनेट करके स्क्यूवर्स में लगाकर हम लोग फिर इसको इसमें रखेंगे। ये स्क्यूवर्स लगी हुई मैंने इसके लिए, ठीक है, रेडीमेड मिलती हैं, आप लोग आराम से ले सकते हैं। अब हमारे 2 से 3 घंटे पूरे हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को बताएँ, अब ये मैरिनेट हो चुका है अच्छी तरह से। मैरिनेट आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा होगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, हम ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर्स में लगाते जाएंगे, 2 से 3 दिन बोटियाँ लगाते जाएंगे, ज़्यादा है तो आप लोग ज़्यादा, मैंने थोड़े बनाई है, ठीक है, तो मैं 3 बोटियाँ लगा रही हूँ इसके अंदर। अब आप लोग स्टिक्स में इसको लगाते जाइए, देखिए, अब आप सारी स्टिक्स में जितनी भी बोटियाँ हैं सब एक एक करके इसमें लगाते जाइएगा। और ओवन में आप लोग जब लोग रखेंगे तो एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये चिकन है और चिकन अपना पानी रिलीज़ करेगी, ठीक है, तो आप लोग थोड़ी थोड़ी देर में चिकन को चेक करते रहिएगा और उसमें ऑयलिंग करके बटर लगा लगा के रख लीजिएगा या ऑयल लगा के रख पलट पलट के रखना पड़ेगा, ठीक है, पहले से आपको लोगों को बता रही हूँ मैं। अभी हमारे स्टिक्स रेडी हो रही हैं, ठीक है, और आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब देखें हम लोग इसमें अपने पैन में रख रहे हैं जिसमें मैं रख कर इसको ओवन में रखूँगी, ठीक है, और अगर इसमें पानी छूटेगा तो आप लोग एहतियात से निकाल के पलट के दोबारा से रखिएगा, ठीक है। और जो मसाला था थोड़ा बचा उसके ऊपर दोबारा मैंने थोड़ा थोड़ा मसाला भी लगा दिया स्टिक के ऊपर, क्योंकि हमारा मसाला थोड़ा सा तो बचेगा इसमें। और ये मैं सूखी सूखी स्टिक्स के तरह कबाब टाइप बना रही हूँ तो इसलिए ऐसा है, वरना आप लोग बनाते तो वो रख देते। अब ये देखें मैंने ओवन में रख दिया है, ठीक है, अब हम लोग ओवन रख देंगे। अब 15 से 20 मिनट बाद मैंने इसको चेक कर लिया, चेक करके उसमें थोड़ा सा पानी था फिर दोबारा रखा, फिर दोबारा निकाला, फिर अब मैंने ग्रिलर ऑन करके ऊपर का फिर इसको दोबारा रख रही हूँ ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए और ये और अच्छे देखने में लगे, ठीक है। अब मैंने इसको निकाल लिया, अब मैं निकाल कर इसको अलट पलट के रखूँगी दोबारा से। देखिए आप लोग, आप ऊपर से एक जगह से कलर आ गया है, दूसरी जगह को हम लोग पलट के रखेंगे ताकि उसमें भी कलर आ जाए अच्छा सा, दोनों तरफ एक सा कलर आए। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊँगी, ठीक है, आप लोग चाहे बटर भी लगा सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं इसमें, मैंने लगा लिया। अब मैं थोड़ी सी चीज़ ली थी, ठीक है, थोड़ी सी चीज़ मैंने काट के रख ली थी, उसमें भी थोड़े थोड़े पीस, छोटे छोटे से पीसेज इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ ताकि थोड़ा सा फ्लेवर और रिच आए, अच्छा सा आए। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा इसमें लगा रही हूँ।
आप लोग भी इसी तरह लगाएगा, आप लोग ग्रेटेड कर लीजिएगा। मेरी ग्रेटेड थी लेकिन गर्मी की वजह से थोड़ी वो आपस में चिपक गई, इसलिए ऐसे टाइप की लग रही है। तो अब मैं थोड़े थोड़े चिकन के पीस बोटीज पे सारी ये लगाती जाऊँगी, और इस तरह हमारे कबाब का फ्लेवर और अच्छा आएगा और इन्हेंस होगा। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब मैंने इसमें लगा दी है, अब मैं इसको ओवन में रखूँगी और एक कोयला मैंने दम के लिए रख दिया, ठीक है। ओवन में रखने से पहले मैं इसमें कोयले का दम दूँगी थोड़ा सा, क्योंकि कबाब हैं तो कबाब में तो थोड़ा सा ऑयल लगा के थोड़ा सा दम, थोड़ा सा बारबेक्यू का फ्लेवर तो आना ही चाहिए। देखिए थोड़ा सा देना, ज़्यादा नहीं देना, ठीक है। दो से तीन मिनट बाद हम इसको निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको ओवन में रखेंगे। आप लोग भी इसी तरह ट्राई करके देखिएगा। ओवन में रख के आप देखिए, ओवन में मैंने इसको रख दिया, 3 से 4 मिनट मैंने रखा था। आप देखें कितना अच्छा इसका ऊपर से कलर आया है। अब आप लोग इसको सर्व कर दीजिए। मैंने रेड चिली ग्रीन चिलीज कलर के लिए ऐड किए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कॉमेंट्स में बताइएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।